7 न्यूज में हूँ अजीत सिंह। आपको बता दें हम पहुंचे हैं आज रोहटा थाने में, मेरठ के रोहटा थाना है वहां पर हम पहुंचे हैं। आपको बता दें यहां पर जबरदस्त तरीके से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे मेरठ शहर के अंदर लगातार चेकिंग अभियान जारी है और यहां पर भी ऑटो को और गाड़ियों को जो इधर से आ रही हैं, बड़ौत की तरफ से आ रही हैं या मेरठ की तरफ, उनको यहां पर रोककर चेक किया जा रहा है। हमारे साथ में थाना अध्यक्ष जी हैं, ये उनसे बात करेंगे कि किस तरह से मतलब यहाँ पर चेकिंग अभियान चल रहा है। जी जी नमस्कार जी नमस्कार। उच्चाधिकारी गणों के आदेश से जो गाड़ियों में लाउड स्पीकर या साउंड सिस्टम लगा के जो चलते हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी तो अभी तक आपने पकड़े किन पे साउंड सिस्टम? नहीं नहीं, अभी जितने चेक किए हैं उन पर नहीं मिले हैं, बाकी फर्स्ट टाइम वार्निंग दे रहे हैं, बाकी अगर दोबारा नहीं लगा वही लगाएंगे तो फिर चेकिंग करके कानूनी कार्रवाई की। मतलब पहले बार वार्निंग देके छोड़ दे रहे हैं? पहले वार्निंग दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि थानाध्यक्ष जी का साफ कहना है कि यहाँ पर एक बार वार्निंग दी जा रही है उनको, अगर वो दोबारा भी लगाते हैं तो उन पर फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, ISN7 न्यूज। हम दोगट में हैं, आपको बता दूं कि हमने यहाँ के लोगों से जाना, उनसे एक साल का हमने यहाँ पर विकास कार्य जो हुए हैं हमने उनसे पूछे। वहीं कुछ लोगों का जो बयान है वो ये है कि चेयरमैन साहब यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों से हमने और पूछा तो यहाँ पर उनका कहना है कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और मकान हो, रास्ते हों, लाइटें हों, हर क्षेत्र में यहाँ पर काम हुआ है। आइए हम जो पक्ष है हम जान लेते हैं, खुद चेयरमैन साहब चेयरमैन पति से जान लेते हैं। हमारे साथ बैठे हैं लोकेंद्र ठेकेदार जी, वो बताएंगे कि पिछले एक साल में उन्होंने कस्बे में क्या क्या विकास कार्य किए हैं। नमस्कार जी। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई जी, चेयरमैन बने हमारे। जी जी आपको बहुत बहुत बधाई। जी जी जी। और अब हम जानना चाहेंगे कि पहला सवाल है यहाँ पर शौचालय वगैरह कितने बने? जी जी शौचालय यहाँ जो है ना 5 जगह बने हैं और वो बने हैं जो है ना हर वार्ड में बने हैं, किसे अगर वार्ड जो है ना 2 है तो सम्मिलित कर लिया गया है उनको, और बहुत अच्छी तरीके से शौचालय बने हैं। और करीबन यहाँ से 500 प्रधानमंत्री आवास योजना से जो गरीब पात्र लोग हैं उनके मकान बन रहे हैं, कुछ की किस्त आ चुकी है, कुछ की आने वाली बाकी है। और एक रास्ता बहुत ख़राब था जनता के लिए, शमशान घाट वाला, उसको करीबन 25 वर्षों से जनता जो वहाँ किसी मुर्दे को ले जाती थी तो कीचड़ में को जाती थी। हाँ बड़ी दिक्कत थी। 14वीं आयोग की धनराशि द्वारा वो कार्य हमने कराया गया, उससे जनता बड़ी खुश है। और एक जो है ना सामुदायिक केंद्र जिसके लिए बहुत ही जो है ना यह है हमारे प्रजापत लोग हैं, लोहार हैं, कश्यप हैं, इनके लिए कोई स्थान नहीं था तो एक सामुदायिक केंद्र हमने, हमको आपको दिखाएंगे, इतना अच्छा बनाया है। बाकी लाइट जो है ना जो पुरानी लाइट है वे ख़राब हैं, वे ठीक नहीं हो रही, बाकी हमें पैसा वैसा मिलेगा लाइट लगाएंगे। कुछ लाइट हमने लगाई भी हैं, कुछ ठीक भी कराई हैं। और सफाई व्यवस्था पे हमारा विशेष ध्यान है और सफाई की आप कहीं भी देख लीजिए, सफाई हमने खुद भी देखी है चेयरमैन साहब कि पहले जब एक साल पहले यहाँ पर आए थे तो बदलाव मिला है, हर जगह यहाँ पर साफ सफाई है, रास्ते भी साफ हैं, नालियाँ भी साफ हैं। अभी हमने देखा कई जगह सफाई कर्मचारी भी लगे हुए थे, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कूड़ा उठा रहा है ट्रॉली में, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर साफ सफाई पर भरपूर ध्यान दिया जा रहा है। और जल्दी जो है ना जो हमारा मार्केट है, मार्केट की रोड जो है ना जल्दी बनने वाली है, इसका टेंडर लगा दिया गया है। और योजना से हमने जो है ना गौशाला के लिए धन लिया है और 1 तारीख में इसका टेंडर है, ई टेंडरिंग की गई है, जिसका भी टेंडर आएगा तो जल्दी इस कार्य को चुनाव से पहले पहले इसको शुरू करा दिया जाएगा गौशाला के लिए। और बहुत अच्छी तरह की गौशाला बनेगी, कम से कम 500-400 पशु उसमें आवारा पशु रह सकेंगे। तालाब की आ रही है कि पानी गंदगी ही अटा पड़ा है बिल्कुल गंदगी से और बीमारियां फैल रही है, तो उसके लिए कोई योजना में डाला? हाँ हमने जो है ना शासन को योजना भेज रखी है, इसका प्रस्ताव और DPR भेजी है और हमें आश्वासन भी मिल रहा है, अब जल्दी इसको जो है नी आपको धनराशि दी जाएगी और ये कार्य पूरा कराया जाएगा। हाँ मैं भी अब जो है ना BJP ज्वाइन कर चुका हूँ और मुझे जो है ना आश्वासन है सांसद जी का, सतपाल जी हमारे जो केंद्रीय मंत्री है उनका आश्वासन है कि विकास कार्य खूब कराएंगे आपके यहाँ। और कल जो है ना आज फोन आया था मुझे, कल जो है ना सहेंद्र अंबाड़ा ने भी इनवाइट किया है तो इसी विकास कार्य पर चर्चा होगी कल। जी जी जी। तो चेयरमैन साहब आखिरी सवाल है मेरा, जो लोग यहाँ पर विपक्ष हैं अपने खिलाफ बोल रहे हैं आपके, या मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दूसरी पार्टी के हैं या वो हारे हुए हैं इसलिए वो बौखलाए हुए हैं? हाँ 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 वे मेरा कार्य देख के बौखलाए हुए हैं कि अब गए नंबर जो है नहीं फिर भी नहीं उनका पड़ता,
जब मैं काम सही करूंगा तो उनका नंबर कहां से पड़ेगा इस कस्बे के अंदर। एक साल में आपने तरंगदास कर दिया, हाँ, हाँ, तो इस काम को देखो बौखला रहे हैं वो, थोड़े परेशान से लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कार्य देख के ही बौखला रहे हैं वो। हाँ हाँ भाई, वो तो विपक्ष का काम तो गाने का है, नहीं मानते वो तो कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ तो कार्य ठीक चल रहा है कस्बे के अंदर, विपक्ष के सिवा पूरे कस्बे के अंदर घूम कर देखो तो क्या मिलता है। 90% लोग मेरे साथ हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, चौपाल दिखाऊंगा, रास्ते दिखाऊंगा, स्थिति सारी दिखाऊंगा यहाँ की जी। तो यहाँ पर आपने देखा चेयरमैन साहब ने साफ कर दिया है कि 90% जनता उनके सहयोग में है, उनके साथ है, और यहाँ पर एक साल में भी काफ़ी विकास कार्य किए गए हैं। अब मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, ISN7 News। मैं जो है ना चेयरमैन पति लोकेंद्र ठेकेदार, सभी कस्बावासियों व क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अभी भी हम बने हुए हैं दोगट कस्बे में, और आपको बता दें यहाँ पर चेयरमैन लोकेंद्र जी के द्वारा ये सामुदायिक केंद्र बनाया गया है। पहले यहाँ पर बहुत दिक्कत परेशानी होती थी, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार वो दिखाए कि यहाँ पर अभी भी काम जारी है और कंप्लीट होने पर है। टाइल्स वगैरह लगाई गई हैं, नीचे इंटरलॉकिंग देखिए कितनी अच्छी तरह से लगाई हुई है, और यहाँ पर लोगों को इसकी सुविधा जल्द ही मिलने वाली है। मैं एक बार आपको बता दूँ, एक बार अंदर से भी मैं नज़ारे दिखा दूँ जरा इसके, एक बार अंदर आइए। और ये बहुत अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर मटेरियल यूज़ हुआ है। ये सामने शौचालय बने हुए हैं, इसके अलावा सामने हॉल है, और ये यहाँ पर एक अगर गरीब लोगों के लिए शायद शादी वगैरह का भी अरेंजमेंट यहाँ पर आराम से हो सकता है, क्योंकि गरीब लोगों के बस की नहीं होता कि वो मंडप बुक करें या वो टेंट लगवाएं, तो उनको यहाँ पर बहुत बड़ी सुविधा जल्द ही मिलने वाली है। हमारे साथ यहाँ पर चेयरमैन साहब मौजूद हैं, आइए उनसे जानेंगे। जी चेयरमैन साहब, कब इसका निर्माण हुआ? इसका करीबन 2 माह पहले शुरू हुआ था निर्माण, और अभी थोड़ा निर्माण इसका बाकी है, भी अधूरा है, तो कार्य इस पर प्रगति पे है, जल्दी पूरा हो जाएगा। बहुत परेशानी थी लोगों को, और लोगों से मालूम की है इस मोहल्ले से पूछते हैं। भाई साहब आप बताइए, आपको संतुष्टि है सामुदायिक केंद्र बनने से? बिल्कुल, बहुत अच्छा है, पहले कभी नहीं बना। बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास, सभी के लिए। हाँ जी, अभी ये बहुत अच्छा हो गया है, हम गरीब लोग बहुत परेशान थे यहाँ से। हाँ जी, हाँ बहुत सुविधा मिली थी हमको। हाँ जी, बहुत अच्छा काम है। अशोक कुमार दीक्षित। तो अगर आपके घर में शादी होती है तो आप यहाँ पर? हाँ जी, अटेंड कर सकते हैं यहाँ पर, अटेंड। हाँ हाँ, और आप बताइए बाबूजी। बढ़िया है बाबूजी, एक गरीब मोहल्ला है, इनके लिए चेयरमैन साहब ने बढ़िया व्यवस्था करवाई, पूरा है बराबर जो है, बिल्कुल हर वक्त यही रहे, ज्यादातर जो है सेवा में रहते हैं। तो यहाँ जनता का बिल्कुल, जनता बहुत खुश नजर आ रही है। अभी मात्र एक साल ही हुआ है, और एक साल में चेयरमैन साहब ने ये सामुदायिक केंद्र बनाकर खड़ा कर दिया, और जनता बहुत यहाँ पर खुश नजर आ रही है। अब मैं आपको जरा एक हॉल दिखा देता हूँ, मैं अपने कैमरामैन से। ये आप देखिए, ये रसोई बनाई गई है यहाँ पर, अगर कोई खाने का प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर ये रसोई है। काफी अच्छा जगह, स्पेस भी है कि यहाँ पर मतलब वो बन सके, सामान रखा जाए, जो भी खाने पीने का सामान है वहाँ पर अच्छी तरह से रखा जाए, साफ सुथरा है, किसी दिक्कत नहीं हो सकती यहाँ पर। तो एक सामने आपको हॉल दिखाया, और इसके साथ यहाँ पर रसोई जोड़ी गई है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर विकास हो रहा है। साल में अच्छा आया था, जितने विकास चलता रहा तो आने वाले 2 सालों में सामान देंगे तो भी यहाँ पर दोगुना विकास देखने को मिलेगा। नहीं है चेयरमैन साहब के द्वारा अभी जस्ट ही बनाई गई, और देखिए सफाई भी यहाँ पर लगातार जारी है। यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है वो भी अपनी सफाई यहाँ पर मतलब सही समय पर और ठीक समय पर यहाँ पर कर रहा है। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा हुआ है यहाँ पर, लगातार साफ सफाई जारी है, और रास्ते लगातार बनाए जा रहे हैं, इंटरलॉकिंग की जा रही है, सीसी रोड बनाई जा रही है, तो विकास यहाँ पर बहुत तेजी के साथ यहाँ पर लगातार हो रहा है। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह आया।